स्वावलंबी या आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने आप में बड़ी संपत्ति होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से सहायता लेने के बजाय दूसरों की मदद ही करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी स्वावलंबी होना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से निवेदन है कि कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय को गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अपना भेष बदलकर राज्य का भ्रमण करता है। एक बार वह किसी गांव से होकर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा लकड़हारा सिर पर लकड़ियों का बोझ लिए हुए चला जा रहा था। राजा को उसकी दुर्बल काया और सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर देखकर दया आ गई। उसने लकड़हारे से कहा, बाबा जी, आप इतने बूढ़े हो गए हैं तो भी इतनी मेहनत करते हैं, क्या आपको कष्ट नहीं होता? लकड़हारे ने जवाब दिया, कष्ट काहे का, भगवान ने मुझे ये दो हाथ किस लिए दिए हैं? मेहनत करने के लिए ही तो दिए हैं, और अगर मेहनत ना करूं तो मेरा गुजारा कैसे होगा? राजा ने पूछा, आप किसी की मदद क्यों नहीं ले लेते? लकड़हारे ने कहा, मैं ठहरा गरीब आदमी, ना तो मेरा कोई लड़का है ना कोई लड़की, आखिर मेरी मदद करेगा कौन? अब राजा ने पूछा, क्या आपको मालूम नहीं कि यहां का राजा गरीब बूढ़ों और बेसहारा लोगों को दान देकर उनकी सहायता करता है? लकड़हारे ने कहा, मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, परंतु जब तक मेरे शरीर में जान है मैं क्यों राजा की दया दृष्टि का मोहताज बनूं? दूसरों पर निर्भर रहना मेरे उसूलों के खिलाफ है। वृद्ध का स्वाभिमान, स्वावलंबन और परिश्रम वृत्ति देखकर राजा नतमस्तक हो गया। राजा ने कहा, काश इस राज्य में तुम्हारे जैसे और भी आत्मनिर्भर लोग होते तो राजा की आधी चिंता स्वयं मिट जाती, तब वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए योजनाएं बनाता और उन पर काम करने के लिए प्रजा के व्यक्ति उपलब्ध होते तो हमारा राज्य निश्चित ही अधिक प्रगति करता। स्वावलंबी होना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, स्वावलंबी व्यक्ति निर्भय होकर जीता है। तो दोस्तों, इस प्यारी सी छोटी सी कहानी में इतना ही। यदि यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में, तब तक के लिए